हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एफआई सिद्दीकी। आप देख रहे हो वेल्डिंग ऑल टिप्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रोड व्यूइंग टेक्निक इन स्टिक वेल्डिंग, यानी कि जॉइंट ओपन इलेक्ट्रोड को कैसे व्यूइंग किया जाता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो कैसे व्यूइंग किया जाता है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। इलेक्ट्रोड व्यूइंग टेक्निक इन स्टिक वेल्डिंग। व्यूइंग यानी के इलेक्ट्रोड की आर्क को जॉइंट ऊपर साइड टू साइड, जैसे कि आप यहां ड्राइंग में देख सकते हो साइड टू साइड समान गति से चलाना और साइड टू साइड थोड़ी देर रुकना, यानी के कम सेकंड के लिए, साइड टू साइड कम सेकंड के लिए रुकना वेल्डिंग लाइन को बेहतर फ्यूजन करता है। इलेक्ट्रोड व्यूइंग से वेल्डिंग लाइन एक समान बनाने के लिए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोड को चलाया जाता है। पी फॉर पिच, जैसे कि आप यहां ड्राइंग में देख सकते हो। व्यूइंग करते समय साइड टू साइड के बीच के अंतर को पिच कहा जाता है, यानी कि पिच साइड टू साइड के बीच के अंतर को पिच कहा जाता है। और पिच का अंतर 2 से 3 mm होना चाहिए। W फॉर विथ, यानी के चौड़ाई, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं हो। W फॉर विथ यानी के व्यूइंग की चौड़ाई, व्यूइंग की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। इलेक्ट्रोड के कोर वायर के डायामीटर से फक्त 2.5 से 3 गुना रखी जाती है, यानी के व्यूइंग की चौड़ाई इतनी रखी जाती है, इससे ज्यादा नहीं। एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रोड के कोर वायर का डायामीटर 3.15 mm है तो 3.15 mm मल्टीप्लाई बाई 3 mm इजिकल टू 9.45 mm तक की चौड़ाई में इलेक्ट्रोड से व्यूइंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल टू, अगर इलेक्ट्रोड के कोर वायर का डायामीटर 4 mm है तो 4 mm मल्टीप्लाई बाई 3 mm इजिकल टू 12 mm तक की चौड़ाई में इलेक्ट्रोड को व्यूइंग किया जाता है, यानी कि इससे ज्यादा 4 mm के लिए 12 mm तक व्यूइंग कर सकते हैं। डायामीटर 3.15 इलेक्ट्रोड के लिए 9.45 mm तक व्यूइंग कर सकते हैं और 4 mm इलेक्ट्रोड के डायामीटर के लिए 12 mm तक व्यूइंग कर सकते हैं। मैं अभी आपको विभिन्न इलेक्ट्रोड व्यूइंग टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं और इलेक्ट्रोड को सभी पोजीशनों में कैसे चलाया जाता है, जैसे कि फ्लैट और डाउन एंड पोजीशन, दूसरी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तीसरी वर्टिकल पोजीशन और चौथी ओवरहेड पोजीशन में, यानी कि इन पोजीशनों में कैसे व्यूइंग किया जाता है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। कौन सी टेक्निक और कौन सी वेल्डिंग लाइन कहां पर की जाती है उसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं। स्ट्रिंगर, स्ट्रिंगर में इलेक्ट्रोड को, जैसे कि आप यहां ड्राइंग में देख सकते हो, स्ट्रिंगर में जो इलेक्ट्रोड होता है उसको सीधी लाइन में खींचकर चलाया जाता है, इसमें वीविंग नहीं की जाती है। ये सबसे आसान टेक्निक है। सभी वेल्डिंग पोजीशन में मल्टी पास वेल्डिंग के लिए स्ट्रिंगर बीड का यूज किया जाता
है। स्ट्रेट स्टेप टेक्निक, स्ट्रेट स्टेप टेक्निक में इलेक्ट्रोड को, जैसे कि आप यहां देख सकते हो ड्राइंग में, इलेक्ट्रोड को टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप में चलाया जाता है। बट जॉइंटों में रूट गैप में रूट पास वेल्ड करने के लिए सभी वेल्डिंग पोजीशनों में स्ट्रेट स्टेप वेल्डिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। इस टेक्निक में इलेक्ट्रोड को स्टिच करके इलेक्ट्रोड को चलाया जाता है। जिगजैग वीविंग टेक्निक, जिगजैग वीविंग टेक्निक में इलेक्ट्रोड को इस तरह चलाया जाता है, साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड टू साइड। कम सेकंड के लिए रुकना है। सर्कुलर वीविंग टेक्निक, सर्कुलर टेक्निक में इस तरह इलेक्ट्रोड को चलाया जाता है, जैसे कि आप यहां ड्राइंग में देख सकते हो। सी वीविंग टेक्निक, तो सी वीविंग टेक्निक में इलेक्ट्रोड को इस तरह चलाया जाता है। जे वीविंग टेक्निक, जे वीविंग टेक्निक में इस तरह इलेक्ट्रोड को वीविंग किया जाता है। फिगर एट, यानी कि इस टेक्निक में फिगर एट बना के वीविंग करना है इस तरह, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, और साइड टू साइड थोड़ी देर रुकना है कम सेकंड के लिए। ट्रायंगल वीविंग, ट्रायंगल वीविंग में इस तरह इलेक्ट्रोड को ट्रायंगल पोजीशन में चलाना है, साइड टू साइड, साइड टू साइड थोड़ी देर कम सेकंड के लिए रुकना है। वी वीविंग टेक्निक, वी वीविंग टेक्निक में इस तरह इलेक्ट्रोड को चलाना है, साइड टू साइड, साइड टू साइड कम सेकंड के लिए रुकना है, इस तरह इलेक्ट्रोड को चलाना है। बॉक्स वीविंग टेक्निक, बॉक्स वीविंग टेक्निक में इलेक्ट्रोड को इस तरह चलाना है, और साइड टू साइड कम सेकंड के लिए रुकना है। ये जो मैंने आपको वीविंग टेक्निक माने बताई है, वो मैंने कुछ वीविंग टेक्निक के बारे में आपको मैंने बताया है, मगर इलेक्ट्रोड को वीविंग करने के लिए बहुत सारी वीविंग टेक्निक होती हैं। मल्टीपास वेल्डिंग, यानी कि मल्टीपास जो वेल्डिंग होता है वो कैसे किया जाता है, उसके बारे में मैं अभी थोड़ा आपको मैंने बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ ड्रॉइंग में देख सकते हो, मल्टीपास वेल्डिंग में फर्स्ट जो वेल्डिंग लाइन मैंने लगाई जाती है उसे रूट पास वेल्डिंग कहा जाता है, और उसके बाद रूट पास पर जो वेल्डिंग लाइन क्रमशर यानी कि स्टेप बाय स्टेप माने लगाई जाती है उसे फिल पास कहा जाता है। यानी कि जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पासिस हैं उसे फिल पास कहा जाता है, और फिल पास के जो ऊपर दूसरी स्टेप बाय स्टेप वेल्डिंग लाइन माने लगाई जाती है उसे कैप पास कहा जाता है। यानी कि मल्टी पास वेल्डिंग में स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप वेल्डिंग की जाती है, इसलिए इसे मल्टी पास वेल्डिंग कहा जाता है। और मल्टी पास ग्रू वेल्ड, तो मल्टी पास ग्रू वेल्ड में यानी कि जो ग्रू वेल्ड होता है वो बर जॉइंट का एक प्रकार होता है, तो ग्रू वेल्ड में फर्स्ट जो वेल्डिंग लाइन माने लगाई जाती है जॉइंटों में, यानी कि टी जॉइंट हो या लेफ जॉइंट हो या कॉर्नर जॉइंट हो या सिंगल वी बर जॉइंट हो, उसमें फर्स्ट वेल्डिंग रन माने लगाया जाता है उसे रूट पास वेल्डिंग कहा जाता है, जैसे कि आप यहाँ ड्राइंग में देख सकते हो। रूट पास को ग्राइंडर से क्लीन करके रूट पास के ऊपर जो वेल्डिंग लाइन माने लगाई जाती है उसे हॉट पास वेल्डिंग कहा जाता है, और हॉट पास के ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 उसे फिल पास कहा जाता है।
और फिल पास के ऊपर यानी कि जो जॉब की माने सरफेस होता है यानी कि जो जॉब का फेस होता है उस पर 789 माने फेस पर जो वेल्डिंग लाइन माने स्टेप बाय स्टेप जो माने दिखती है उसे कैप पास कहा जाता है, यानी कि मल्टी पास ग्रू वेल्ड में स्टेप बाय स्टेप इस तरह वेल्ड किया जाता है, इसलिए इसे मल्टी पास ग्रू वेल्ड कहा जाता है। फिलेट वेल्ड यानी जो फिलेट वेल्ड होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं। जो थ्री टाइप के माने फिलेट जो जॉइंट होते हैं उसमें सबसे पहला होता है टी जॉइंट और दूसरा होता है लैप जॉइंट और तीसरा होता है कॉर्नर जॉइंट। यानी कि टी जॉइंट, लैप जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट को फिलेट जॉइंट के नाम से जाना जाता है। फ्लैट और डाउन एंड वेल्डिंग पोजिशन में कौन कौन से वीविंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो सबसे पहले होता है स्ट्रिंगर। जो स्ट्रिंगर जो होती है उसमें इलेक्ट्रोड को सीधा खींचकर मेटल पे वेल्ड किया जाता है। इसका यूज मल्टीपास फिलेट एंड बट जॉइंट के लिए स्ट्रिंगर का यूज किया जाता है। सेकंड स्टेट स्टेप्ड, स्टेट स्टेप में इलेक्ट्रोड को थोड़ा आगे और पीछे टॉप टू बॉटम में खींच के वेल्ड किया जाता है। इसका यूज बट जॉइंट रूट पास के लिए स्टेट स्टेप का यूज किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोड को स्टिच में चलाया जाता है आगे और पीछे, उसे स्टिच भी कहा जाता है। जिगजैग वीविंग मोशन, जिगजैग वीविंग मोशन में यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो यहाँ से स्टार्ट किया जाता है और साइड टू साइड या लेफ्ट टू राइट में मेटल पर या जॉइंट पर वेल्ड किया जाता है और यहाँ पर स्टॉप किया जाता है। इसका यूज कवर पास वेल्डिंग के लिए जिगजैग वीविंग टेक्निक का यूज किया जाता है। सर्कुलर टेक्निक में यहाँ से स्टार्ट और जो वीविंग जो मोशन होता है वो सर्कुलर में होता है। इस तरह सर्कुलर वीविंग किया जाता है और यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाता है। सर्कुलर मोशन का यूज बट टी कॉर्नर जॉइंट में वेल्ड करने के लिए सर्कुलर मोशन का यूज किया जाता है। सी मोशन में यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है और सी मोशन में वीविंग किया जाता है। लेफ्ट टू राइट और थोड़ी देर यानी कि थोड़ी सेकंड में रुकना है। लेफ्ट टू राइट इस तरह यहाँ पर वेल खत्म कर दिया जाता है और सी मोशन का यूज बट जॉइंट में वेल करने के लिए सी वीविंग टेक्निक का यूज किया जाता है। जे टेक्निक में यहाँ से स्टार्ट फिर जे मोशन में वीविंग किया जाता है। लेफ्ट टू राइट और थोड़ी देर साइड टू साइड रुकना है। लेफ्ट टू राइट और यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। इसका यूज जे मोशन का यूज लेफ्ट जॉइंट में वेल्ड करने के लिए जे मोशन का यूज किया जाता है। फिगर 8 यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है और इस तरह वीविंग फिगर 8 में इस तरह वीविंग किया जाता है। राइट टू लेफ्ट साइड टू साइड राइट टू और यहां पर उसको पूरा कर दिया जाता है। फिगर 8 का यूज कवर पास वेल्डिंग के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। ये सभी टेक्निक जो मैंने आपको बताई उसका यूज फ्लैट और डाउन हैंड वेल्डिंग पोजीशन के लिए यूज किया जाता है। हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग पोजीशन में कौन सी व्हिपिंग का यूज किया जाता है? स्ट्रिंगर, तो जो स्ट्रिंगर होती है वो सीधे लाइन
इस तरह खींची जाती हैं। इसका यूज़ मल्टीपास फ्लैट एंड बर जॉइंट के लिए स्ट्रिंगर का यूज़ किया जाता है। स्ट्रेट स्टेप्ड टेक्निक, तो स्ट्रेट स्टेप में आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। इसका यूज बट जॉइंट रूट पास के लिए स्ट्रेट स्टेप टेक्निक का यूज किया जाता है। जिगजैग व्हिपिंग, जिगजैग व्हिपिंग में यहाँ से स्टार्ट किया जाता है, अप डाउन, 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 टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, और यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। इसका यूज़ बट जॉइंट में वेल्ड करने के लिए जिगजैग व्हिपिंग का यूज़ किया जाता है। सी व्हिपिंग, सी व्हिपिंग में यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है और इस तरह अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, इस तरह यहाँ पर वेल खत्म कर दिया जाता है। सी व्हिपिंग का यूज़ बट जॉइंट में वेल करने के लिए इस व्हिपिंग का यूज़ किया जाता है। जे व्हिपिंग, जे व्हिपिंग में यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है और इस तरह अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, इस तरह यहाँ पर वेल्डिंग को खत्म कर दिया जाता है। इसका यूज़ बट और लेग जॉइंट में वेल्ड करने के लिए जे व्हिपिंग का यूज़ किया जाता है। वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन, वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन में कौन कौन सा व्हिपिंग किया जाता है? स्ट्रिंगर बीड, तो नीचे से ऊपर, तो स्ट्रिंगर बीड सीधी वेल्डिंग लाइन, नीचे से ऊपर सीधी वेल्डिंग लाइन खींची जाती है। इसे अपवर्ड कहा जाता है और डाउनवर्ड में ऊपर से नीचे सीधी स्ट्रिंगर खींची जाती है। इसका यूज़ नीचे से ऊपर यानी कि अपवर्ड स्ट्रिंगर का यूज़ मल्टीपास फिलेट एंड बट जॉइंट में वेल्ड करने के लिए स्ट्रिंगर बीड का यूज़ किया जाता है। स्ट्रेट स्टेप्ड, स्ट्रेट स्टेप में नीचे से ऊपर की तरफ वेल्ड किया जाता है और इलेक्ट्रोड को स्टार्ट करके अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, इस तरह वेल्ड को पूरा कर दिया जाता है। इसका यूज़ बट जॉइंट रूट पास में वेल्ड करने के लिए स्ट्रेट स्टेप टेक्निक का यूज़ किया जाता है। जिगजैग यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, और थोड़ी देर के लिए साइड टू साइड रुकना है और यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाता है। जिगजैग, जिगजैग मोशन का यूज़ कवर पास वेल्डिंग के लिए इस मोशन का यूज़ किया जाता है। जे व्हिपिंग टेक्निक में यहाँ से वेल्ड शुरू कर दिया जाता है यानी कि स्टार्ट, लेफ्ट राइट, 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 और साइड टू साइड थोड़ी सेकंड के लिए रुकना और यहाँ पर वेल्ड पूरा कर दिया जाता है। इसका यूज बट जॉइंट में वेल्ड करने के लिए इस मोशन का यूज किया जाता है। वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन में सी मोशन का यूज़ किया जाता है, यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है और सी मोशन में व्हिपिंग किया जाता है। साइड टू साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, और थोड़ी देर के लिए साइड टू साइड रुकना है और यहाँ पर वेल ख़त्म कर दिया जाता है। इसका यूज़ बट जॉइंट में वेल्ड करने के लिए सी मोशन
सी वीविंग टेक्निक का यूज किया जाता है। फिगर एट, फिगर एट यहां से स्टार्ट कर दिया जाता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इस तरह एट मोशन में वीविंग किया जाता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और साइड टू साइड थोड़ी देर के लिए यानी कि थोड़ी सेकंड के लिए रुकना है और यहाँ पर वेल खत्म कर दिया जाता है। इस टेक्निक का यूज कवर पास वेल्डिंग के लिए फिगर एट का यूज किया जाता है। ट्रायंगल वीविंग टेक्निक, ट्रायंगल वीविंग टेक्निक में यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है और इस तरह ट्रायंगल में वीविंग किया जाता है, इस तरह ट्रायंगल में वीविंग किया जाता है और यहाँ पर स्टॉप कर दिया जाता है। इस टेक्निक का यूज हॉट पास वेल्डिंग के लिए कॉर्नर टी लेफ्ट जॉइंट में हॉट पास वेल्डिंग करने के लिए ट्रायंगल टेक्निक का यूज किया जाता है। वी मोशन वीविंग टेक्निक, तो वी मोशन वीविंग टेक्निक में यहाँ से स्टार्ट किया जाता है और इस तरह साइड टू साइड 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 साइड टू साइड, और थोड़ी देर साइड टू साइड माने रुकना है और यहाँ पर वेल्डिंग स्टॉप कर दिया जाता है। वी मोशन टेक्निक वर्टिकल के लिए। बॉक्स वीविंग टेक्निक, बॉक्स वीविंग टेक्निक में यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट साइड टू साइड अप अप मोशन में ऊपर चलना है और यहाँ पर वेल्डिंग खत्म कर दिया जाता है, इसे बॉक्स वीविंग टेक्निक कहा जाता है। ये वर्टिकल पोजीशन में इस वीविंग टेक्निक का यूज किया जाता है। ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन, ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन में वेल्ड करने के लिए स्ट्रिंगर यानी के सीधी इस तरह सीधी लाइन खींची जाती है। इसका यूज मल्टीपास फिलेट वेल्ड एंड बट जॉइंट में वेल्ड करने के लिए जो स्ट्रिंगर होती हैं उसका यूज किया जाता है। स्ट्रेट स्टेप्ड टेक्निक, स्ट्रेट स्टेप टेक्निक में इलेक्ट्रोड को यहाँ से स्टार्ट किया जाता है और आगे और पीछे की ओर, आगे और पीछे, अप डाउन 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 अप डाउन, इस तरह स्ट्रेट स्टेप का यूज किया जाता है। इसका यूज बट जॉइंट में रूट पास में वेल्ड करने के लिए स्ट्रेट स्टेप टेक्निक का यूज किया जाता है। सी मोशन यहाँ से स्टार्ट कर दिया जाता है और सी मोशन में इस तरह सी मोशन में साइड टू साइड साइड टू साइड साइड टू साइड और थोड़ी थोड़ी देर के लिए साइड टू साइड कम सेकंड के लिए साइड टू साइड रुकना है और इस तरह यहाँ पर वेल्ड स्टॉप कर दिया जाता है। इसका यूज बट जॉइंट एंड फिलेट जॉइंट में वेल्ड करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है यानी कि सी मोशन का यूज किया जाता है। मैंने जो आपको तीन टेक्निक माने बताई है उसका यूज ओवरहेड पोजीशन में वेल्ड करने के लिए ये तीन टेक्निक का यूज किया जाता है।
दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर मेरी चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट में लिख के ज़रूर बताना।